हाय, दिस इज़ मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और ज़बरदस्त जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है रेलवे की तरफ से, ग्रुप डी की न्यू रिक्रूटमेंट 2024 की रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी कंडक्ट कराई जाती है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी के थ्रू ये वैकेंसी कंडक्ट कराई जाती है। कुल पदों की अगर बात करें ना, तो इस बार आपका वैकेंसी 1 लाख के करीब रहने वाला है। तो अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड एग्जाम कैलेंडर या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जाइए वहाँ फॉलो कर लीजिए। फ्रेंड्स, देखिए, अभी जैसा कि आपको पता है कि रेलवे में ये ग्रुप डी की पोस्ट है, लेकिन अभी ताज़ा अपडेट ये आया है कि इस साल से ये सभी ग्रुप सी के पोस्ट होने वाले हैं। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ट्रैकमैन, गैंगमैन, केबिन मैन, हेल्पर, असिस्टेंट पॉइंटमैन, प्यून, असिस्टेंट टीएल एंड एसी, असिस्टेंट डिपोट यानी स्टोर के लिए, हॉस्पिटल अटेंडेंट, इतने तरह का पोस्ट रहेगा जिसके लिए ऑल इंडिया की मेल तथा फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इसका ऑफिशियल कैलेंडर देखना चाहते हैं, तो जाइए डाउनलोड करके एक बार अच्छे से देख लीजिए। आपको 1 लाख के तकरीबन सीट रहेगा, तो तैयारी एकदम जबरदस्त रखना है अपना। देखिए, इसके लिए जो फॉर्म फी रहेगा ना, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 500 यानी 500 रुपया लिया जाएगा। एससी एसटी तथा फीमेल कैंडिडेट से 250 यानी 250 रुपीज लिया जाएगा। फॉर्म की जो फी होती है ना, ये रिफंडेबल होती है। सीबीटी का जब आप एग्जाम में बैठ जाते हैं, उसके बाद 500 में से 490 और आपका जो 250 है ना, इसमें से 240 रुपये आपको आपके अकाउंट नंबर पे रिफंड कर दिया जाता है। रही बात की एज की लिमिट क्या रहेगी, 18 वर्ष से 33 वर्ष रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी को 3 इयर्स का और एससी एसटी को मिलेगा 5 इयर्स का। साथ ही साथ आपको पता है कि एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन इस बार 3 इयर्स का मिलने वाला है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहेगी, मिस ना करें इसको। और हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे जो कैंडिडेट है इस डाउट में है कि सिर्फ आईटीआई वालों के लिए होगा या 10वीं पास के लिए होगा। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे पोस्ट है, तो कुछ पोस्ट ऐसे होंगे जिसके लिए आईटीआई वाले अप्लाई करेंगे और कुछ पोस्ट जैसे कि असिस्टेंट डिपोट, हॉस्पिटल अटेंडेंट और भी कुछ पोस्ट आएंगे जिसके लिए जो 10th पास बच्चे होंगे वो भी अप्लाई करेंगे। तो दोनों के लिए अच्छी खुशखबरी है, घबराने की जरूरत नहीं है कि जो सिर्फ 10th पास है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रही बात की सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, तो आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है 4 स्टेज पे। पहले स्टेज पे जैसा कि बताया कि ऑनलाइन सीबीटी कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है, फिर आपका फिजिकल होता है, उसके बाद मेडिकल, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिया जाता है, देन आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपको सेंड कर दी जाती है। वैकेंसी जोन वाइज आती है, अलग अलग इंडिया के अलग अलग जोन है, आप देख सकते हैं रेलवे के वेबसाइट पे जाके, तो अलग अलग जोन के लिए अलग अलग स्टेट की वैकेंसी होती है। चलिए अभी हम लोग जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको इन डिटेल समझेंगे। ऑनलाइन सीबीटी जो आपका होता है उसमें होता है 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स, मतलब कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए, इसका मतलब हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलता है। समय जो होता है वो होता है 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का टाइम रहता है। निगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3 का। और विषय वाइज बात करें, साइंस के 25 यानी 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, जीके और करेंट अफेयर से 10 क्वेश्चन। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। इसमें क्वालिफाई करोगे आप तब जाके आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में मेल और फीमेल दोनों का बताऊंगे। देखिए, पहले मेल कैंडिडेट का देखते हैं। 35 केजी का वजन उठा के उनको 100 मीटर का रनिंग रहता है, 2 मिनट में कंप्लीट करना होता है। फिर आपका एक अलग रनिंग होता है, ये तो आपका वेट कैरी करके चलना होता है 100 मीटर 2 मिनट में। महिला कैंडिडेट के लिए 20 केजी का वजन होता है, उनको भी 100 मीटर चलना होता है, 5 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाता है। फिर रनिंग होती है दोनों कैंडिडेट के लिए 1-1 किलोमीटर का होता है। मेल कैंडिडेट को 4 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करना है, फीमेल्स को करना है 1 किलोमीटर 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेना है। तो जब ये फिजिकल आप क्वालिफाई कर जाएंगे,
सिंपल सा आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी, फिर आप जिस जोन के लिए अप्लाई करेंगे वहां पर आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। पोस्टिंग के दौरान सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, अलग अलग सिटी वाइज डिपेंड करता है। शुरुआत में 28 से 30 हज़ार मिलता है, बाद में सैलरी बढ़ा के 60 हज़ार तक कर दिया जाता है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, 1 लाख के करीब सीट आ रही है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो तैयारी अपनी ऐसी रखनी है कि इस साल एक सीट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। रही बात कि कब आएगा इसका फॉर्म, जैसा कि एग्जाम कैलेंडर में बताया गया है, इसका फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा अक्टूबर में। अभी से बताने का मोटो यह है कि है तो 1 लाख सीट, लेकिन आपको पता है कि कितने सारे अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। तैयारी अभी से अच्छी रखोगे आप, तभी आपकी एक सीट आप गेन कर पाओगे, अदरवाइज ऐसी तैयारी का कोई फायदा नहीं है। आई होप कि आप इस पोस्ट की सारी जानकारी को सारा कुछ समझ गए होंगे। आप भी कुछ पूछना है कमेंट करके क्वेरी क्लियर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी नई जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।